हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं यहाँ पर बना रही हूँ सिंपल वेजिटेबल पुलाव। ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट देख लीजिए, गाजर है यहाँ पे, हरी प्याज है, आलू मैंने यहाँ लिए हैं, मटर और हरी प्याज के पत्ते हैं, और एक मैंने यहाँ पे लिया है लहसुन चॉप किया हुआ, और एक प्याली मैंने लिए हैं चावल। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप घी ले लीजिए, ऑयल भी ले सकते हैं, और घी की क्वांटिटी अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो आप उसे कम भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम हरी प्याज डाल देंगे, उसका वाइट पार्ट डाल देंगे, फिर इसके अंदर लहसुन डाल देंगे, थोड़ा सा इसे पकाने के बाद फिर हरी प्याज के पत्ते भी इसमें शामिल करेंगे। साइड में मैंने इसलिए रख दी थी, मुझे लग रहा था ये जल जाएगा। अच्छा जी, अब इसमें सारे वेजिटेबल डाल देंगे हम। चाहे तो आप इसके अंदर चाइनीज सॉल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही सिंपल भी इसे बना सकते हैं। चिकन क्यूब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। वैसे मैंने बिल्कुल सिंपल और सादे बनाए हैं। यहाँ हिमालय का पिंक सॉल्ट डाल रहे हैं हम, टेस्ट के हिसाब से डाल दें। हाफ टी स्पून डालकर देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। यहाँ मैंने दो प्याली पानी डाला है, इसे पका लिया है, चावल धोकर मैंने रख लिए थे, अब मैं चावल इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए पानी खुश्क हो गया है, इसे मैंने दम पे रख दिया 15 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे दम हो चुका है। ये देखिए कितने बेहतरीन बने हैं। अगर आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।